अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए चौसे आम से बनने वाली बड़ी ही रसीली रेसिपी लेकर आई हूं। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसे हम सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। तो चले इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें एक बाउल चाहिए होगा। इसमें हम डालेंगे 2 पैकेट टेट्रा क्रीम के, और हमें चूल्हा भी ऑन नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दिया करें। क्रीम डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 पैकेट ऑफ कंडेंस मिल्क, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्रीम और कंडेंस मिल्क को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे क्यूब्स में कट किए हुए मैंगो 3 से 4 अदद। ये बहुत ही मज़े का मीठा बनता है और बहुत कम चीज़ों से बन जाता है और फटाफट बन के तैयार हो जाता है। इसलिए आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और हाँ, चौंसा ख़त्म होने से पहले पहले आप लोगों ने इसको बना के तो ज़रूर इंजॉय करना है। ये ना हो कि फिर आप लोगों को पूरा साल इंतज़ार करना पड़े। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद अब हम इसको सर्विंग बाउल में डाल लेंगे। और यकीन करें, ये मीठा बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है कम मेहनत और कम वक्त में। अगर आपके पास क्यूब्स में कट किए हुए मैंगो पड़े हुए हों तो सिर्फ 1 मिनट लगता है। आप इन तमाम चीज़ों को अरेंज करें, मिक्स करें और मज़ेदार सा मीठा इंजॉय करें। तो अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और अच्छी तरह से इसको ठंडा करके फिर सर्व करेंगे। 3 घंटे हो गए हैं और मज़ेदार सा मीठा हमारा बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। और ये देखें कुछ इसकी फाइनल लुक इस तरह की। बहुत ही यमी बनता है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आप लोगों ने जब इस मीठे को बनाया तो आपको कैसा लगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।